आर्य समाज रामनगर द्वारा वैदिक संस्कार, चरित्र निर्माण तथा राष्ट्रभक्ति की भावना भरने के लिए 6 दिवसीय आर्य वीर दल शिविर का आयोजन आर्य उपवन डीएवी ग्राउंड के समीप लगाया गया। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इसी विधि को अपनाते हुए आर्य वीर दल शिविर को लगाया गया तथा बच्चों को शारीरिक सुरक्षा, आत्मरक्षा व वैदिक संस्कार के साथ साथ भारतीय संस्कृति और संस्कार को भी सिखाया गया। बच्चों की छुट्टियों का सदुपयोग हो ऐसा ध्यान में रखकर इस शिविर को लगाया गया, जिसमें आयोजक मंडल अत्यधिक सफल रहे। आज समापन कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों सहित नगर के गणमान्य लोग भी पहुंचे। अल्प समय में ही इतने निपुणता के साथ प्रदर्शन करते बच्चों को देखकर सभी लोग हतप्रभ रह गए। उनके साथ में हमारे आर्य समाज रामनगर बुटी के प्रधान श्री रामेश्वर प्रसाद सैनी जी भी मंच पर आसीन है। विभिन्न आर्य समाज से आए हुए सभी महानुभव आर्य समाज बेटीगंज, मतलबपुर, नंद विहार, भारत भूषण जी भी हमारे मध्य पधारे हैं। मातृशक्ति महिला आर्य समाज बेटीगंज, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन ये बच्चे अपनी कसौटी पे कस देंगे और कहेंगे कि हमने उन 33 देवताओं को पढ़ा है जो वेद के हैं, जो ऋषियों की परंपरा के हैं। इसलिए उन परंपराओं के बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, आर्य समाज वो सत्ता है जो मानव ही नहीं देवत्व बनाती है। आर्य समाज वो सत्ता है जो माँ ही नहीं माता के साथ में उसे स्त्री बनाती है। इसलिए ये सत्ता आर्य समाज सत्ता अपने आप में विश्व की सबसे पहली सत्ता है जो मनुष्य को देवता बनाने का काम करती है। इसके अलावा कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो बच्चों को, मनुष्यों को देवता बनकर के देखिएगा। 600 नमस्कार एक मिनट में कर लिए तो आपका पूरे दिन का एक्सरसाइज हो गया। तो ऐसी एक्सरसाइज हमारे पास है।
दिखाई देता है तो सूर्य दिखाई देता है, और आठ वसुओं में सूर्य आता है। आता है कौन कौन सा? सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। वेरी गुड। और पंचमा भूत, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये वसु हैं जो 33 प्रकार के देवता हैं, उनमें से एक देवता सूर्य है। प्रारंभ। Yeah.
भाई सोनी रोड से अनुरोध करूंगा, कृपया उनको पटका बनाकर सम्मानित करें। काम कर रहे लाओ लाओ अच्छी नहीं सम्मान सभी मंचासीन जो व्यक्ति बैठे हैं और बाकी सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। और जो बच्चों ने जो आज यहाँ कलाकारी दिखाई है, मेरा मन गदगद हो गया है। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए हैं कि कभी जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हम भी लाठ चलाते थे, लेकिन आज मैंने बहुत दिन बाद, कम से कम 34 साल बाद मैंने कला देखी है। मैं इन बच्चों को जो इन्होंने इतना ये काम किया है उसका हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये लगातार ऐसा ही काम करता रहे। थैंक यू। तालियों में कंजूसी ना करें। तालियां, मैं चाहूंगा सोमपाल जी भी मंच पर यहाँ आ जाए। सोमपाल जी मेरी बात सुन रहे हैं तो? मतलब उससे 7 बच्चे सम्मिलित हुए हैं जी। जोरदार तालियां सोमपाल जी के लिए। आज हम इसी कार्य के लिए यहाँ पधारे हैं, तो बताना चाहूंगा जब ये 5 साल की थी तो हमारे समर्पण में आई थी पौधारोपण करने, उनको सीजा और पेड़ के रूप में विकसित कराया आसफ नगर झाड़ पर, और करीब 5 किलोमीटर चलकर ये आती थी उन पौधों को पानी देने साइकिल पर। तो ये वो दक्षा त्यागी है जो आज हमें यहाँ खुशी दे रही है, तो रहा है उनके लगाए पौधे सुंदर। इसको नगद पुरस्कार भी श्री वाई पी सरीन जी की ओर से दिया जा रहा है। जोरदार केवल 6 दिन पूरा ही जीवन याद है, ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म के बारे में। ये सामने देखो, सब नमस्ते जी सभी के लिए।
आर्य समाज रामनगर द्वारा आर्य वीर दल 6 दिवसीय शिविर लगा था, आज उसका समापन हुआ है। इस विषय में मैं जो शिविर लगाने वाले लोग हैं, जो शिक्षकगण हैं, जो उनसे मैं कुछ जानना चाहूँगा, ये अपना शुभ नाम बताएं। आचार्य योगेंद्र मेधावी, मैं आर्य समाज BHL हरिद्वार से, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय वेद विभाग। 6 दिवसीय शिविर हुआ है, क्या हुआ इसमें, कैसे हुआ, क्या बताएं? इसमें जूडे, कराटे, लाठी, तलवार, योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान और उसके साथ साथ में बौद्धिक कक्षाएं हुई हैं, जिनके द्वारा हम बच्चों को आत्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति और आत्मिक उन्नति के साथ साथ में राष्ट्र की रक्षा कैसे हो सकती है, राष्ट्र के लिए हम अपनी भूमिका सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं, इस पर ये चर्चा की गई है और ये शिविर का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। आपका शुभ नाम क्या है और आप किस पद पर कार्यरत हैं? मेरा नाम है निरंजन देव और मैं दर्शनाचार्य हूँ ऋषि उद्यान अजमेर से, और अभी मैं मध्य प्रदेश इटारसी एक गुरुकुल चलता है, आचार्य सत्यप्रिय जी चलाते हैं, उनके साथ में वहाँ अभी, और मैं वहाँ से आचार्य योगेंद्र मेधावी जी की उन्होंने हमें आमंत्रित किया है, तो इस कार्य के लिए हम आए। आप हमें बताएं कि शिविर में आपने क्या क्या करवाया? मैंने ये करवाया बच्चों के लिए कि हमारे अंदर जो संस्कार है, संस्कार को जागृत कर, जब तक संस्कार के अंदर, व्यक्ति के अंदर संस्कार ना हो तो आगे नहीं बढ़ पाता, उसी चीज़ में रुचि नहीं रखता है, और इन्हीं संस्कारों के बारे में हमने बहुत कुछ बताया है बच्चों को। अभी संस्कार हो चुके हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि ये जो विद्याएं हैं हम पुनः स्थापित करना चाह रहे हैं, हमारे भारत में फिर वीर योद्धा पैदा हों और ये देश की रक्षा करें, इसी आशा के साथ। 6 दिवसीय आप लगातार रहे यहाँ पर? जी, 6 दिवस हम 6 दिवस तक लगातार रहें, और दोनों हम शिक्षक हैं, जितना हो सके हमसे 6 दिवस में एक ही टाइम में बहुत कुछ हमने करा दिया और बच्चों ने भी किए हैं, लेकिन हमने सोचा था कि ये एक समय में कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा से बहुत कुछ बच्चों ने किया है, इसके लिए बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, आप हमें बताइए ऐसा शिविर आप भविष्य में और लगाते रहेंगे? धन्यवाद राजा भाई, आप यहाँ पधारे, लगा यह हमने शुरुआत करी है, ये सभी आर्य समाज की प्रेरणा, मेरे सभी आर्य समाज के वरिष्ठ सदस्यगण, प्रधान जी और जितने भी मेरे बड़े मेरे पूज्य पिताजी जो अब नहीं हैं, उन लोगों की प्रेरणा से हमारे मन में विचार आया मेरा कि हम इस तरह का बच्चों के लिए आर्य वीर दल शिविर लगाएं। आचार्य योगेंद्र जी से मैंने बात करी, उन्होंने तो हमने कहा हम एक शिविर लगाना चाहते हैं, यह शिविर आवासीय होता है वैसे, लेकिन हमने कहा हम इसको केवल आवासीय अभी व्यवस्था नहीं कर सकते, इसको हम प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक का लगाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है आप प्रयास करें, और जो भी बच्चे आएंगे 20-25 हम शुरू करेंगे। ये ग्रीष्मकालीन जो छुट्टी थी उसके वजह से लगाई गई? जी जी, उसी को देखते हुए, क्योंकि सभी हमने देखा बच्चों पर अवकाश पर हैं, कुछ ना कुछ उसका लाभ उठाया जाए। वैसे भविष्य में हम ऐसे कार्यक्रम और देखेंगे, आशा करता हूँ कि हमारा आर्य समाज BT गंज और हमारा आर्य समाज रामनगर और पूरी आर्य प्रतिनिधि सभा हमारा हमें इस तरह से सहयोग करेगी, जितना आज इतना अच्छा रुड़की वालों ने सहयोग दिया, तो ये हम प्रत्येक वर्ष और शिविर लगाएंगे और आगे प्रयास करेंगे आवासीय शिविर लगाएं। आर्य ओपन, मैं एक बात बताना चाहूँगा, हमारा ये शिविर आर्य समाज रामनगर रुड़की के हॉल में शुरू हुआ था, पहले दिन इतनी भीड़ हो गई, दूसरे दिन हम कर ही नहीं पाए वहाँ पर। मैंने आर्य समाज BT गंज के प्रधान और मंत्री जी से अनुरोध किया जी हमें आर्य ओपन चाहिए, उन्होंने बिना किसी एक मिनट की देरी किए हमें यह स्थान उपलब्ध कराया। मैं आर्य समाज BT गंज का हृदय से आभार करता हूँ, मंत्री सतपाल जी का, प्रधान उदयवीर जी का, भीष्मगिरी जी का और विजय जी, उनकी पूरी टीम का, कि उन्होंने यह स्थान हमें निःशुल्क उपलब्ध कराया है। हम यहाँ 24 घंटे रह रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, शिविर भले ही 6 घंटे चल रहा हो। भारत का भविष्य आप कैसे देखते हैं, जिस प्रकार पूरी दुनिया की जो टेढ़ी नज़र भारत की तरफ है और सनातन धर्म और आर्य समाज जिसमें आता है, सब कुछ आता है, तो आप कैसा देखते हैं भविष्य? मैं भारत का भविष्य बहुत उज्जवल देख रहा हूँ आज की तारीख में, जैसा इतने कम समय में इतने अधिक संख्या में बच्चे हमारे बीच आए, इससे लगता है कि हमारे देश की जनता जागरूक है, बहुत लोगों में जोश है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। सभी ने अपने बच्चों को एक शॉर्ट नोटिस पे, मुश्किल से 1 हफ्ते में भी इन बच्चों को यहाँ भेज दिया, इससे मुझे यही आशा लगता है कि बच्चों में इतनी प्रेरणा है, दिल गदगद है आज देख करके कि इतने छोटे छोटे बच्चों ने, बड़े बच्चों ने मात्र 6 दिन के प्रयास में इतना सुंदर अभ्यास आचार्य योगेंद्र जी, आचार्य निरंजन जी सुकृत द्वारा कराया गया। मैं बहुत, आज मन मेरा बहुत प्रसन्न है, मेरे पिताजी जहाँ भी हैं वो भी प्रसन्न होंगे कि हमारा इतना सुंदर बालक अच्छे कार्य पर चल रहा है। मैं अपने आप को अपनी प्रशंसा भी करना चाहूँगा, मेरे पिता धन्य हैं कि जिन्होंने मेरे जैसे बालक को जन्म दिया, कि मैं भी धन्य हूँ उनकी से जन्म पाकर, और आज उनकी प्रेरणा से आज मैं ये सेवा कर पा रहा हूँ, उन्हीं की बदौलत मैं आज आर्य समाज से जुड़ा।
और मुझे सेवा करने का मौका मिला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा दूसरी किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।